हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैंडविच वेट लॉस के लिए। बहुत ही सिंपल सैंडविच है, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए से मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले सैंडविच की स्टफिंग बना लेंगे। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1/4 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसे हम कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। अब इसमें आधा लंबाई में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। इसे हम 10 से 12 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब मैं इसमें थोड़े से लंबाई में कटे हुए गाजर और थोड़ी लंबाई में कटे हुए शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन्हें भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें लंबाई में कटा हुआ बीन्स ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी इसमें ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। हेल्दी चीज़ें भी बहुत टेस्टी होती हैं, आप बनाकर देखिए। प्याज शिमला मिर्च हल्का भुन जाएगा तब इसमें हम लंबाई में कटा हुआ पत्ता गोभी ऐड करेंगे। पत्ता गोभी को ऐड करने के बाद बस 1-2 मिनट के लिए और भून लेंगे, जिससे जो पत्ता गोभी है ना वो हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। इसी के साथ पत्ता गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। अब इसमें हम कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। स्टफिंग का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसमें अपनी पसंद का कोई सॉस ऐड कर सकते हैं। इन मसालों को सब्जी के साथ लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आपको लगे ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर आप गैस को बंद कर दीजिएगा। सो माई स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए स्टफिंग देखने में कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है। और स्टफिंग को हल्का ठंडा कर लेंगे। इसे एक प्लेट पर निकाल लीजिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। स्टफिंग को मैंने प्लेट पर निकाल लिया था, ये हल्की ठंडी हो गई है। अब इसे सैंडविच बना लेंगे। सो मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। इतनी स्टफिंग के साथ 2 सैंडविच आराम से बन जाते हैं। और मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड लिया है, आप इसकी जगह अपनी पसंद का कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। अब 1 ब्रेड स्लाइस के ऊपर जो मैं स्टफिंग बनाई थी ना उसे रख देंगे। आप चाहें तो ब्रेड के ऊपर अपनी पसंद की कोई चटनी लगा सकते हैं। अगर आप इस सैंडविच को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दोनों सैंडविच अच्छे से बाइंड हो जाए इसके लिए आप इसके ऊपर एक चीज़ की स्लाइस रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा घिसा हुआ चीज़ रख सकते हैं, जिससे जो दोनों ब्रेड होगी ना वो आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएंगी। स्टफिंग रखने के बाद अब इसे हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस से कवर कर देंगे। अब इस सैंडविच को हम सेक लेंगे। सो मैं इस सैंडविच को सेकने के लिए इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिंपली तवे पर सेक सकते हैं। अब इसे हम सिंपली हल्का क्रिस्पी होने तक टोस्ट कर लेंगे। और इसी के साथ ये देखिए सैंडविच है, बाहर से हल्का क्रिस्पी हो गया है। इसे मैं हल्का सा टर्न कर रही हूँ ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया लाइनिंग्स आ जाए। और इस तरीके से इसे हम कुछ सेकंड के लिए और सेक लेंगे। और ये देखिए कुछ सेकंड सेकने के बाद सैंडविच के ऊपर कितनी बढ़िया लाइनिंग्स आई हैं। हमारा सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हो गया है, क्रिस्पी हो गया है। इस सैंडविच को 1-2 मिनट के लिए जालवेल स्टैंड पर रखिएगा, जिससे इसकी दोनों साइड से स्टीम निकल जाए, दोनों साइड से क्रिस्पी रहे। चलिए अब इस सैंडविच को कट कर लेते हैं। मैं इसे सिंपली ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ, आप जैसे कट करना चाहें वैसे कट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सैंडविच है पर बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने इस सैंडविच को सिंपल सब्जियों के साथ बनाया है, आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सैंडविच है पर बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मैं इस सैंडविच को सिंपली हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।